रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हुआ क्या है तुम दोनों के बीच? बस एक बात पे, we got into a fight which got out of hand. How dare you touch my sister? अभी कभी एक हाथ से नहीं बसती। आपकी बहन की कोई गलती नहीं है क्या इसमें? बाबा के जाने के बाद मैंने हमेशा कोशिश की है कि ऋषि और श्रेया को कभी पिता की कमी महसूस ना। अगर गलती अनिकेत की है तो श्रेया की भी गलती है। लेकिन इस वक्त एक भाई होने के नाते मैं श्रेया के साथ, तो फिर एक बहन होने के नाते मैं भी अनिकेत के साथ। मुझे नीचे थेपले हैं, मैं नहीं। इन पे क्यों नाराजगी निकाल रहे हैं? नाराजगी कैसी, मन ना थी बस, नहीं चाहिए। अच्छा दे दो एक। नहीं रहने दीजिए, वैसे भी आपको मेरे हाथ के थेपले कहाँ पसंद आते हैं। डिसाइड कर लो, खिलाना है कि नहीं। मुझे कुछ डिसाइड नहीं करना। एग्जैक्टली इनके जो मन में आएगा ना वो वही करने वाले हैं। ऋषि भाई आप जानते नहीं उन्होंने क्या किया है। श्रेया ने क्लियरली हमसे कहा था कि उसे कांटेक्ट मत करो। देन व्हाई डिड यू कांटेक्ट हर? व्हाई डिड यू राइट श्रेया वापस आ जाओ, श्रेया मेरे भाई से पैच अप कर दो, श्रेया मेरा भाई अच्छा है, ही इज नॉट अ बैड गाय, टेल मी व्हाई। नहीं वो आई थॉट इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों में से किसी ने भी उससे बात नहीं की थी और मुझे लगा कि अभी तक उसका गुस्सा शांत हो गया होगा। यू मीन मुझे मेरी सिस्टर की परवाह नहीं है? आई एम द ओनली वन इन कॉन्टेक्ट विद हर एंड यू नीड टू लीव हर अलोन। See, I am not doubting anybody. It's just कि मुझे लगा कि मुझे help करनी चाहिए। वो आपकी बहन है पर वो मेरी भी कुछ लगती है। You're right. तो भाई, please now, finally just say something, no भाई। श्रेया वहाँ already परेशान है और वो एक दूसरी country में अकेले, far away from us. We do not need to give her more problems. We need to give her some space. वो इसलिए यहाँ नहीं आ रही है। ऋषि ठीक कह रहा है। श्रेया को थोड़ा टाइम देते हैं, अभी गुस्से में वो कुछ नहीं सुन रही, अभी फिलहाल कोई उसे कांटेक्ट मत करो। थैंक यू भाई।
तेरा पहला साल है ना शादी का, तो एक काम कर तू एक्सपेक्टेशंस ही मत रख, फिर प्रॉब्लम्स ही नहीं होगी फिर ना। और तीसरे साल में प्रॉब्लम्स नहीं होगी ना? जब तक अपने पार्टनर का पर्सपेक्टिव उसके शूज में रह के नहीं देखोगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अलग तुम कहाँ का बात कहाँ करता है? कहाँ? अभी उस दिन सौरभ ने मुझे ड्रेस में देखा और उसने एक ऑब्जर्वेशन दिया। तो ये तो अच्छी बात है ना? हाँ बहुत अच्छी बात है। ये मुझे कहता है कि डार्लिंग ड्रेस में है ना तुम्हारा सेल्यूलाइट दिखता है, इसलिए जंपसूट पहनो। क्या दिखता है सेल्यूलाइट? अनुज ये सब छोड़ो और जिसे पकड़ना है ना उसे पकड़ो। गौरवी इज अ जेम, शी इज द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू यू अनुज। मैं भी अग्री करता हूँ। अनुज वो कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें। मुझे लगता है कि इस वक्त आप भी कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं। यू आर अ फैमिली मैन अनुज, यू आर अ फादर फिगर टू योर सिबलिंग्स, अ ग्रेट सन, अ ग्रेट हस्बैंड, पर ये सब बैलेंस करना ना बहुत मुश्किल होता है एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। और अब सिचुएशन आसान नहीं और मुश्किल होती जाएगी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी वाइफ और अपनी बहन के बीच में किसी एक को चुनना पड़े। नहीं, नोइंग यू अनुज, आई नो कि इट वॉन्ट बी ईजी फॉर यू एट ऑल, क्योंकि आप कभी किसी को हर्ट कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट आप तो कोशिश करते रहते हैं कि सबकी लाइफ कैसे आसान बनाए, फिर मैं आपकी लाइफ मिजरेबल कैसे बना सकती हूँ अनुज? इसीलिए आई वॉन्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू, दैट्स व्हाई आई हैव मेड अ डिसीजन। कैसा डिसीजन? आई एम लीविंग अनुज, मैं जा रही हूँ। इस वक्त ना आपके लिए और इस सिचुएशन के लिए यही डिसीजन बेटर है। और भी मैं चाहता हूँ कि इसमें गलती किसी एक की नहीं है, श्रेया की हो सकता है कि उतनी ही गलती हो जितनी कि अनिकेत की हो, और शायद उससे ज़्यादा। और आज इसकी वजह से, अपने भाई की वजह से आप घर छोड़ के जाने की बात कर रही हैं। मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं आपको ऐसे इस दर्द में नहीं देख सकती। ऐसा मत करो गौरवी, मुझे एक मौका दो, मैं सही फैसला ले सकता हूँ और लूंगा। अनुज मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप कभी कोई गलत फैसला ले ही नहीं सकते, बस मैं आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं देख सकती जहाँ पे आपको एक अपने के लिए किसी दूसरे अपने को हर्ट करना पड़े। नहीं, एंड इट्स नॉट अबाउट श्रेया और अनिकेत।
दिस इज अबाउट अस। नहीं आदत प्लीज, ये सब कुछ ना ऑलरेडी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप प्लीज मेरे लिए और बहुत मुश्किल मत बनाइए। आप आई एम ऑलरेडी वेरी जानते हैं आपके साथ मुझे गलत। अभी सिर्फ वक्त बताएगा अनुज।
दिखा दिया ना उसने अपना असली रंग। क्या मिला आपको? आपने इतना कुछ किया उस आदमी के लिए, उसने आपके लिए क्या किया? मतलब आपको इतनी जल्दी जाने दिया, एक बार रोका तक नहीं आपको। अपनी बहन की साइड ले ली और आपकी साइड? यार ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें हिसाब किताब नहीं होता, कर्ज नहीं चुकाना होता, यार अनकंडीशनल होता है। और ये हम दोनों का डिसीजन था। इनफैक्ट अगर वो अपनी बहन का साथ नहीं देते तो शायद मैं उनसे उतना प्यार नहीं करती जितना आप करती। मैडम लेकिन फायदा क्या हुआ? इतने लंबे समय तक आप दोनों एक दूसरे से अलग रहे, फिर भी आप उसी की साइड ले रही हैं। सीरियसली मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ या आप समझना नहीं चाह रहे? मतलब आप जानती हैं ना ये वही आदमी है जिसकी वजह से आप यहाँ पे जेल में हैं। जेल में क्या है ना कि इस दर्द से मैं अकेले नहीं गुजर, हम दोनों साथ में गुजर। और मैं अब भी अपने लिए उनका प्यार महसूस कर सकती हूँ। आप किस मिट्टी की बनी? जिस आदमी की वजह से आप जेल में हैं, आप उसका दर्द महसूस करने की बात कर रहे हैं? इनफ ना, क्यों मजनू से अपनी जिंदगी बिगाड़ रहा? 3 हफ्ते हो गए, पीपल स्टॉप मूर्निंग आफ्टर 10 डेज। आई डिडंट मीन इट लाइक दैट। बेटा संभाल खुद को, आज कितना बड़ा दिन है, मेहता डायमंड्स का इवेंट है। हमेशा हर इवेंट में तू कितना उत्सुक रहता था, सारी तैयारियां तू खुद ही देखता था, फिर अब क्यों नहीं? बिकॉज शी विल बी एम्प्लॉयज को प्रमोशन मिली है, वो सब साथ में आने वाले हैं। और गौरवी को प्रमोशन मिली है लास्ट वीक। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो, मैं बताता हूँ। हाँ होंगे अनुज वहाँ, लेकिन एज अ बॉस पर्सनल रिलेशनशिप अपनी जगह और प्रोफेशनल अपनी जगह। आज जॉब का फर्स्ट डे है, विशेस दो ना। गणपति बप्पा विल ब्लेस यू। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम। ए चुप, पागल है क्या? पहला दिन है ना जॉब का, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है? चल बड़ी वाली स्माइल दे मुझे और ऐसे ड्रंकर जैसी हालत मत बना के जा। ऑल द बेस्ट। मैडम गाड़ी खराब हो गई। तो फिर अभी? अभी देखता हूँ, स्टार्ट होती है तो, नहीं तो आप दूसरा पकड़ लीजिएगा। आपका इंतजार कर रहा हूं। काम हो जाएगा, यू रिलैक्स नाउ एंड कम सिट। भाई नहीं कम ऑन विद मी, मैं यू आर द बॉस। बॉस अरे जस्ट सिट डाउन एंड रिलैक्स। वो जरा ठीक से चाहिए। आई लाइक द डेकोरेशन, सो नाइस ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन आई वेलकम यू टू द biggest event of the year, Mehta Diamonds new collection. Listen, model number 6 ko showstopper bana. But sir, she's new. I don't care. Get it done now. Okay.
Okay. What else is on? दिन भर पति को ड्रीम में देखती रहती है, साथ में जाके क्यों नहीं बैठती? क्योंकि यहाँ पे वो मेरे बॉस हैं। Now shut up. Okay, Baba, chill. Shreya. Put your hands together for Asmi Karmakar.